सभी को नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के 6 बजे वाले कार्यक्रम में। आज हम थोड़ा सा अपने मूल विषय से हट के बात करने वाले हैं और ऐसा विषय जिस पे हमने अभी तक कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम चर्चा की है, ईसाइयत के ऊपर। बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमारे लिए जो जिहादी हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं या जो मिशनरी हैं वो अधिक खतरनाक है, कौन सा अधिक विषैला है और कौन सा अधिक हानिकारक है। और इसका कोई एक सटीक उत्तर दे पाना संभव नहीं है, लेकिन हम आज इसका उत्तर जानने का प्रयास भी करेंगे। तब तक आप सभी से निवेदन है कि शेयर लाइक सब्सक्राइब करें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। जी, आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले, कुछ महीने हो गए अब तो, जब एक छोटी सी बच्ची थी लावण्या नाम की, जिसे दक्षिण भारत में जिसने आत्महत्या की क्योंकि उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि उस पर एक प्रेशर बनाया जा रहा था ईसाई मत को, ईसाई मजहब को अपनाने के लिए, और वो अपना हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाह रही थी। इसलिए पूरे के पूरे स्कूल में, वो जो पूरा हॉस्टल था, उन्होंने षड्यंत्र करके उस बच्ची को इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। और दुर्भाग्य से हम इस बात को उतना हाईलाइट नहीं कर पाए, हम इतनी चर्चा नहीं कर पाए कि क्यों एक छोटी सी बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ती है। और एक बार फिर से याद कीजिए कि आपको उन गुंडे बदमाशों के नाम याद होंगे जिन्होंने बछड़ा मार कर आम लोगों को खिला दिया, उन्हें एक विक्टिम की तरह पेश किया गया, ट्रेन के अंदर एक सीट के लिए लड़ाई हुई तो उसे बताया गया कि लिंचिंग हो जाती है। लेकिन और उन सभी के नाम भी आपके मस्तिष्क में छाप दिए जाते हैं कि कोई पहलू है या कोई अखलाक है, लेकिन लावण्या को कैसे भूल जाते हैं? इसका बड़ा सरल सा उत्तर ये है कि आज भी जो पूरे का पूरा नैरेटिव है उस पर उनका कब्जा है। नैरेटिव का अर्थ क्या होता है कि सभी दिशाओं से, हर ओर से एक आवाज निकाली जाती है। हम कहते हैं कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया इररेलेवेंट हो गया है। हो गया नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी नहीं हुआ। यदि हम किसी ऐसी गलतफहमी में है कि इररेलेवेंट हो चुका है तो ये समझना हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अभी भी उन्होंने नैरेटिव पे अपना कब्जा किया हुआ है और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि हम पहलू, अखलाक, इन सबके नाम हमें पता है, दादरी का इंसिडेंट हमें पता है, लेकिन लावण्या को हम भूल गए। और ऐसा ही एक इंसिडेंट अभी हाल ही में हुआ जहां पर कि एक बच्ची को, एक बच्ची का तो केवल स्टेटमेंट आया है, जरा मैं पहले आपके साथ वो शेयर कर लेता हूं ताकि सभी लोग सुन सके कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम फिर अपनी चर्चा को वहां से आगे ले चलते हैं। ये जो सारे का सारा आज का घटनाक्रम है जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, दक्षिण भारत का है। तो जो वीडियो है वो जो बच्ची है 6ठी क्लास की, वो अपनी जो स्थानीय भाषा उसमें बोल रही है, लेकिन आपको सब टाइटल्स इंग्लिश में दिख जाएंगे। मैं फिर भी इसे अंग्रेजी में, हिंदी में भी बताऊंगा। டீச்சர் என்ன சொன்னாங்கம்மா? உண்மையா, உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண இதெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி எங்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி தந்து, கர்த்தர்லாம் எங்களுக்கு பெரிய ஆளு. நாங்க அவங்க சொன்னாங்க பைபிள்லாம் படிங்க என்ன, நாங்க சொன்னோம் நாங்க ஹிந்துஸ், நாங்க பகவத்கீதை தான் படிப்போம். நாங்க சொன்னாங்க பகவத்கீதை கெட்டது, பைபிள்ல நிறைய கருத்து அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது, அதை படிக்க என்ன சொன்னாங்க. சொல்லு சொல்லு. அடுத்த கதை எல்லாம் சொன்னாங்க,
என்ன கதை சொல்லியிருந்தாங்கம்மா? ஒரு ஒரு கிறிஸ்டினும் ஒரு சாத்தானும், அப்படின்னா ஹிந்து சாத்தான் சொல்றாங்க, அவங்க வந்து ஒரு சாத்தானும் பைக்ல போயிட்டு இருந்தாங்களாம். அப்போ அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டான். அங்க ஒரு இந்த பைபிள் படிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம். அவங்க வந்து பைபிள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இங்க இங்க இறந்தவங்க உயிர் எழுந்திட்டாங்களாம், அப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்க. அந்த மேம் பேர் என்னம்மா? பியர்ட்ரிஸ் தங்கம். தங்கம். உன் பேர் என்னம்மா? எத்தனை வகுப்பு பிடிக்க? ஆறாம் வகுப்பு. சரி, இது எத்தனை நாளா உங்கள்ட்ட இப்படி சொல்லுவாங்கம்மா? இவ்வளவு நாள் வந்து இப்படி எல்லாம் சொல்லல, இன்னைக்கு தான் இப்போ. ஒன்ன மட்டுமா எல்லா பிள்ளைங்களையுமா? இருந்தாங்கம்மா. ஒரு ஒரு கிறிஸ்டினும் ஒரு சாத்தானும், அப்படின்னா ஹிந்து சாத்தான் சொல்றாங்க, அவங்க வந்து ஒரு சாத்தானும் பைக்ல போயிட்டு இருந்தாங்களாம். அப்போ அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டா. அங்க ஒரு இந்த பைபிள் படிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம். அவங்க வந்து பைபிள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இங்க இங்க இறந்தவங்க உயிர் எழுந்திட்டாங்களாம், அப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்க. அந்த மேம் பேர் என்னம்மா? பியர்ட்ரிஸ் தங்கம். தங்கம். உன் பேர் என்னம்மா? எத்தனை வகுப்பு பிடிக்க? ஆறாம் வகுப்பு. சரி, இது எத்தனை நாளா உங்கள்ட்ட இப்படி சொல்லுவாங்கம்மா? இவ்வளவு நாள் வந்து இப்படி எல்லாம் சொல்லல, இன்னைக்கு தான் இப்போ. ஒன்ன மட்டுமா எல்லா பிள்ளைங்களையுமா? அந்த உன் ஆறாம் வகுப்பு மட்டுமா வேற வகுப்புகளுக்கும் இப்படி பண்ணாங்க? ஓ, சரி சரி சரி. பைபிள் ஏதாவது தந்தாங்களா? தரல. இப்படி உங்களுக்கு கிளாஸ் பீரியட் டைம்ல வந்துட்டு கிளாஸ் எடுக்க மாட்டாங்க, அப்படிதானே? ஆமா, நீங்க வந்து டச் தந்தாலும் பிளஸ் சிம்பல் தான் டச்சிருவாங்க. ஓ, சரி சரி. பிளஸிங் பை இது பண்ணி உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் டைம்ல வந்துட்டு பீரியட் டைம்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு இதுதான் பிரார்த்தனை மட்டும் தான், பிரேயர் பண்ண வேண்டி சொல்லி தரேன். அதுக்கு அப்புறம் வந்து கிளாஸ்ல எல்லாரும் கையை பிடி கை கோர்த்துட்டு முட்டி போட்டுட்டு இருந்து பிரேயர் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. சூப்பர். சரி சரி. जी, तो सुना आपने कि वहां पर एक महिला शिक्षिका है जो बच्चों को जबरदस्ती बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और उसका कहना है कि जो तुम्हारी भगवद गीता है वो अच्छी नहीं है, बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, जो हिंदू हैं वो शैतान होते हैं। आपने अगर कभी नोटिस किया हो कि हमारे देश में पहले जो हॉरर फिल्में बनती थी उनमें क्या होता था, उनमें ये बताया जाता था कि जो एक कल्ट दिखाया जाता था कि ये वो शैतान के पुजारी होते थे। अब ये सारे का सारा जो कंसेप्ट है शैतान का और शैतान के पुजारियों का, ये सारे का सारा जो दो मजहब है, एक जो रिलीजन ऑफ लव है और दूसरा जो रिलीजन ऑफ पीस है, उन दोनों की सोच में से निकलता है। और यहाँ पर भी ये जो बच्ची है वो यही बता रही है कि वो कहती थी कि अगर एक क्रिश्चियन और एक हिंदू, हिंदू नहीं बोल रही, वो शैतान बोल रहे, दोनों बाइक पे जा रहे थे, दोनों का एक्सीडेंट होता है, वो बच इसलिए जाते हैं क्योंकि साथ में एक बाइबल पढ़ने वाला एक क्रिश्चियन था, इसलिए वो बच गए। अब आप देखिए कि ये जो धूर्तता है वो इस स्तर तक पहुंची कैसे। उसका कारण ये है कि हमने उन्हें वहां तक पहुंचने दिया, हमने अपनी बात को सामने दृढ़ता से नहीं रखा। जिसे एक स्पोर्ट्स की भाषा में कहा जाता है वॉक ओवर दे देना, कि हमने बिना लड़े इनको वॉक ओवर दे दिया, क्योंकि हमें सिखाया ये गया कि सारे मजहब सारे रिलीजन एक ही जैसी बात बताते हैं। हमने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए आज हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़ी किताब है बाइबल, हालांकि बहुत बड़ी भी नहीं, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो दो तीन दिन में पढ़ लेंगे सारी की सारी, प्रोवाइडेड के आप इतनी बोरियत को झेल पाए। तो आज मैं आपके साथ केवल एक अध्याय शेयर कर रहा हूँ बाइबल का, बाइबल का एक पोर्शन जिसे लेवाइटिकस कहा जाता है, और जब उसका यहाँ हमारे देश में अनुवाद किया गया तो उसे लय व्यवस्था के नाम से बोला जाता है। उस पोर्शन का जो 26वां अध्याय है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। ये है जी, शुरू कैसे होता है, अपने लिए मूर्तियां मत बनाओ, मूर्तियां या यादगार के पत्थर स्थापित मत करो, अपने देश में उपासना करने के लिए पत्थर की मूर्तियां स्थापित ना करो, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं।
मेरे आराम के विशेष दिनों को याद रखो और मेरे पवित्र स्थान का सम्मान करो, मैं यहोवा हूँ। अच्छा, ये जब मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ तो आपको ये इमेजिन करना है कि कैसी मेंटालिटी का वो व्यक्ति होगा जिसने किताब लिखी होगी। ये तो हम जानते हैं कि ऐसा कोई चौथा या सातवां आसमान नहीं होता जहाँ पे बैठा कोई गॉड या कोई यहोवा है जो वहां से मैसेजेस भेज रहा है। लिखने वाला तो है वो, या अगर ये वाकई में गॉड है तो गॉड की मेंटेलिटी क्या है? क्या वो अपने आप से ऑब्सेस्ड है? क्या वो मेगालोमानियक है? अब असल में हमें एक और काम करना पड़ेगा। इन मजहबों को समझने के लिए हिंदी में शब्द नहीं है। जब आप हिंदी में इनका वर्णन करना शुरू करते हैं ना तो ये बड़े सम्मानित लगने लग जाते हैं। अब मेगालोमानियक होता है कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पागलपन जिसमें वो केवल यही सोचता है कि मैं सबसे महान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। आज की डेट में अगर आप किसी तानाशाह की बात करें, वो जो कोरिया का किम योन युंग वो है या इस तरह का कोई और है, तो उन्हें मेगालोमानिक कहा जा सकता है। पर हिंदी में इसके समकक्ष कोई शब्द नहीं मिलता। एक तानाशाह मिलता है जो उसके पूरे एसेंस को कभी ग्रैब नहीं कर पाता। इसलिए मुझे लगता है कि हमें शब्दावली बनानी होगी जो इस सोच को, इस घिनौनेपन को कैप्चर कर सके, उसको समझा सके कि इस तरह के भी लोग होते हैं। अब हिंदी में जब ये परमेश्वर लिख देते हैं तो वहां पर भी एक थोड़ा सा आदर भाव आ जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि यहाँ पर परमेश्वर की बजाय गॉड, यहोवा, जहोवा वही शब्द होने चाहिए थे। एक बार पुनः देखिए, अपने लिए मूर्तियां मत बनाओ, मूर्तियां यादगार के पत्थर स्थापित मत करो, अपने देश में उपासना करने के लिए पत्थर की मूर्तियां स्थापित ना करो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा गॉड यहोवा हूं। मेरे आराम के विशेष दिनों को याद रखो और मेरे पवित्र स्थान का सम्मान करो, मैं यहोवा हूं। ये अभी थोड़ा सा क्रम से नहीं है तो मुझे इसको क्रमानुसार बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्योंकि एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको सीधा जो पुस्तक है उसी में से पढ़ सकते हैं। ओके, कुछ क्षण का समय मुझे चाहिए होगा, इसको मैं एक बार ठीक कर देता हूं। जी हाँ, तो ये रहा, मेरे नियमों और आदेशों को याद रखो और उनका पालन करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं जिस समय वर्षा आनी चाहिए उसी समय वर्षा कराऊंगा, भूमि फसलें पैदा करेगी और पेड़ अपने फल देंगे। तुम्हारा अनाज निकालने का काम तब तक चलेगा जब तक अंगूर इकट्ठा करने का समय आएगा, और अंगूर का इकट्ठा करना तब तक चलेगा जब तक बोने का समय आएगा। तब तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत होगा और तुम अपने प्रदेश में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हारे देश को शांति दूंगा, तुम शांति से ओके। अब फिर थोड़ा सा मुझे इसे सर्च करना पड़ेगा कहाँ है। जी हाँ, तब मैं तुम्हारी ओर मुड़ूंगा, तुम्हें बहुत से बच्चों वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ अपना वाचा का पालन करूंगा। तुम्हारे पास एक वर्ष से अधिक चलने वाली पर्याप्त पैदावार होगी, तुम नई फसल काटोगे, किंतु तब तुम्हें पुरानी पैदावार नई पैदावार के लिए जगह बनाने हेतु फेंकनी पड़ेगी। तुम लोगों के बीच मैं अपना पवित्र तंबू रखूंगा, मैं तुम लोगों से अलग नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारा ओके। अब फिर से ढूंढते हैं जी, हमने 12वां सेंटेंस पढ़ रहे हैं यहां पर। मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, तुम मेरे लोग रहोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मिस्र में दास थे, किंतु मैं तुम्हें मिस्र से बाहर लाया। तुम लोग दास के रूप में भारी बोझ ढोने
से झुके हुए थे, किंतु मैंने तुम्हारे कंधों के जुए को तोड़ फेंका, मैंने तुम्हें पुनः गर्व से चलने वाला बनाया। चलने वाला बनाई हमने किया जी 13 नंबर तक। अब यहोवा की आज्ञा पालन ना करने के लिए दंड, किंतु यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे और मेरे ये सब आदेश नहीं मानोगे तो ये बुरी बातें होंगी। अब बुरी बातें क्या होंगी वो बताते हैं। यदि तुम मेरे नियमों और आदेशों को मानना स्वीकार अस्वीकार करते हो तो तुमने मेरी वाचा को तोड़ दिया। वाचा यानी प्रॉमिस, कोवेनेंट, वादा, कुछ भी हो सकता है। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारा भयंकर अनिष्ट होगा। मैं तुमको असाध्य रोग और तीव्र ज्वर लगाऊंगा, वे तुम्हारी आंखें नष्ट कर देंगे और तुम्हारा जीवन ले लेंगे। जब तुम अपने बीज बोओगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हारी पैदावार तुम्हारे शत्रु खाएंगे। मैं तुम्हारे विरुद्ध होऊंगा, अतः तुम्हारे शत्रु तुमको हराएंगे, वे शत्रु तुमसे घृणा करेंगे और तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम तब भी भागोगे जब तुम्हारा पीछा कोई न कर रहा होगा। यदि इसके बाद भी तुम मेरी आज्ञा पालन नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे पापों के लिए 7 गुना अधिक सजा दूंगा। ओके, 7 गुना अधिक सजा दूंगा। इसके आगे अब हमें फिर से थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ओके, जी हाँ, यहां हम पहुंचते हैं फिर जी। अब क्या होगा, मैं उन बड़े नगरों को भी नष्ट करूंगा जो तुम्हें गर्वीला बनाते हैं। आकाश वर्षा नहीं देगा और धरती पैदावार नहीं उत्पन्न करेगी। तुम कठोर परिश्रम करोगे किंतु इससे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी भूमि में कोई पैदावार नहीं होगी, तुम्हारे पेड़ों पर फल नहीं आएंगे। यदि तब भी तुम मेरे विरुद्ध जाते हो और मेरी आज्ञा का पालन करना अस्वीकार करते हो तो मैं 7 गुना कठोरता से मारूंगा। अब याद रखिए, अभी पिछला जो 18वां सेंटेंस था उसमें वो 7 गुना दंड दे रहा था, अब 21वें में फिर से वो 7 गुना और ज्यादा टॉर्चर करने वाला है, तो 14 गुना हो गया। जितना अधिक पाप करोगे उतना अधिक दंड पाओगे। मैं तुम्हारे विरुद्ध, अब क्या आने वाला है, छूट गया कुछ। अच्छा, 21 नंबर ये था यहां पर। तो 22 नंबर ढूंढ रहे हैं हम। यहोवा का प्रकोप आया है आज हमारे ऊपर, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। जो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है मैं वहीं से पढ़ देता हूं इसके आगे आपके लिए। हमने पढ़ा यहां तक, मैं तुम्हारे विरुद्ध, इसके आगे जंगली जानवरों को भेजूंगा, वे तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन ले जाएंगे, वे तुम्हारे मवेशियों को नष्ट करेंगे, वे तुम्हारी संख्या बहुत कम कर देंगे, लोग यात्रा करने से भय खाएंगे, सड़कें खाली हो जाएंगी। यदि उन चीजों के होने पर भी तुम्हें सबक नहीं मिलता और तुम मेरे विरुद्ध जाते हो तो मैं तुम्हारे विरुद्ध होऊंगा। मैं, हाँ मैं यहोवा, तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें 7 गुना दंड दूंगा। तो अब पहले 14 थे, अब 7 और जोड़ ले तो 21 गुना दंड मिलेगा। तुमने मेरी वाचा तोड़ी है,
अतः मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हारे विरुद्ध सेनाएं भेजूंगा, तुम सुरक्षा के लिए अपने नगरों में जाओगे, किंतु मैं ऐसा करूंगा कि तुम लोगों में बीमारियां फैलें, तब तुम्हारे शत्रु तुम्हें हराएंगे। मैं उस नगर में छोड़े गए अन्न का एक भाग तुम्हें दूंगा, किंतु खाने के लिए बहुत कम अन्न होगा। 10 स्त्रियां अपनी सभी रोटी एक चूल्हे में पका सकेंगी, वे रोटी के हर एक टुकड़े को नापेंगी, तुम खाओगे किंतु फिर भी भूखे रहोगे। ये लविंग गॉड है जो ये सब बातें बता रहा है। तो यहां हमने देखा इसे वर्स नंबर 26 तक, इसके आगे ज्यादा अच्छे रंग ढंग आएंगे। यदि तुम इतने पर भी मेरी बातें सुनना अस्वीकार करते हो और मेरे विरुद्ध रहते हो, तो मैं वस्तुतः अपना क्रोध प्रकट करूंगा। तो अभी तो क्या कर रहा, मैं यहोवा तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए 7 गुना दंड दूंगा, तो अब ये 28 गुना हो गया। तुम अपने पुत्र पुत्रियों के शरीरों को खाओगे, मैं तुम्हारे ऊंचे स्थानों को नष्ट करूंगा, मैं तुम्हारी सुगंधित वेदियों को काट डालूंगा, मैं तुम्हारे शवों को तुम्हारी निर्जीव मूर्तियों के शवों पर डालूंगा। तुम मुझको अत्यंत घिनौने लगोगे, मैं तुम्हारे नगरों को नष्ट करूंगा। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको मूलभूत आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के गॉड की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यदि अभी संतुष्टि ना हुई हो तो हम आगे भी देख सकते हैं। ये तो हम देख चुके थे। मैं तुम्हारे देश को इतना खाली कर दूंगा कि तुम्हारे शत्रु तक जो इसमें रहने आएंगे वे इस पर चकित होंगे, और मैं तुम्हें विभिन्न प्रदेशों में बिखेर दूंगा, मैं अपनी तलवार खींचूंगा और तुम्हें नष्ट करूंगा, तुम्हारी भूमि खाली हो जाएगी और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। अब आप 2 मिनट के लिए जरा सोच के कल्पना करें कि ये गॉड है जिसने सब कुछ बनाया है, लेकिन उसे नहीं पता कि मिसाइल वाला टाइम भी आएगा, बॉम्ब्स भी होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी होंगे, वो तलवार तक ही अटका हुआ है और वहीं तक उसका गुस्सा है, उसी लिमिट तक रहता है। तुम अपने शत्रु के देशों में ले जाए जाओगे, तुम्हारी धरती खाली हो जाएगी, वह अंत में उस विश्राम को पाएगी जिसे तुमने उसे तब नहीं दिया था जब तुम उस पर रहते थे। बचे हुए व्यक्ति अपने शत्रुओं के देश में अपना साहस खो देंगे, वे हर चीज से भयभीत होंगे, वे हवा में उड़ती पत्ती की तरह चारों ओर भागेंगे, वे ऐसे भागेंगे मानो कोई तलवार लिए उनका पीछा कर रहा हो, वे एक दूसरे पर तब भी गिरेंगे जब कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा होगा। ऐसा तो बेवड़े करते हैं मुझे लगता है, तो या तो बेवड़े बन जाएंगे, कुछ इस तरह का फीलिंग आ रही है। तुम इतने शक्तिशाली नहीं रहोगे कि अपने शत्रुओं के मुकाबले खड़े रह सको, तुम अन्य लोगों में विलीन हो जाओगे, तुम अपने शत्रुओं के देश में लुप्त हो जाओगे, इस प्रकार तुम्हारी संतानें तुम्हारे शत्रुओं के देश में अपने पापों में सड़ेंगी, वे अपने पापों में ठीक वैसे ही सड़ेंगी जैसे उनके पूर्वज सड़े। संभव है कि लोग अपने पाप स्वीकार करें और वे अपने पूर्वजों के पापों को स्वीकार करेंगे, संभव है वे स्वीकार करें कि वे मेरे विरुद्ध हुए, संभव है वे ये स्वीकार करें कि उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किए हैं, संभव है कि वे स्वीकार करें कि मैं उनके विरुद्ध हुआ और उन्हें उनके शत्रुओं के देश में लाया, उन लोगों ने मेरे साथ अजनबी का सा व्यवहार किया, यदि वे विनम्र हो जाएं और अपने पापों के लिए दंड स्वीकार करें, तो मैं याकूब के साथ के अपने वाचा को याद करूंगा, इसहाक के साथ के अपने वाचा को याद करूंगा, इब्राहिम के साथ के भी
साफ की गई वाचा को मैं याद करूंगा और मैं उस भूमि को याद करूंगा। भूमि खाली रहेगी, भूमि आराम के समय का आनंद लेगी, तब तुम्हारे बचे हुए लोग अपने पाप के लिए दंड स्वीकार करेंगे। वे सीखेंगे कि उन्हें इसलिए दंड मिला कि उन्होंने मेरे व्यवस्था से घृणा की और नियमों का पालन अस्वीकार किया। उन्होंने सचमुच पाप किया, किंतु यदि वे मेरे पास सहायता के लिए आते हैं तो मैं उनसे दूर नहीं रहूंगा। मैं उनकी बातें तब भी सुनूंगा जब अपने शत्रुओं के देश में भी होंगे। मैं उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं करूंगा, मैं उनके साथ अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। मैं उनके पूर्वजों के साथ की गई वाचा को याद रखूंगा। मैं उनके पूर्वजों को इसलिए मिस्र से बाहर लाया कि मैं उनका परमेश्वर हो सकूं। दूसरे राष्ट्रों ने उन बातों को देखा। मैं यहोवा हूं। ये वे विधियां, नियम और व्यवस्थाएं हैं जिन्हें यहोवा ने इज़राइल के लोगों को दिया। वे नियम इज़राइल के लोगों और यहोवा के बीच वाचा है। यहोवा ने उन नियमों को सिनै पर्वत पर दिया था। उसने मूसा को नियम दिए और मूसा ने उन्हें लोगों को दिया। जी, तो ये है आपकी पेशे खिदमत बाइबल और बाइबल का गॉड, जिसे हमारे देश में ये बताया जाता है कि ये भगवद गीता से अच्छे हैं। अब यहाँ आप सबसे मेरा एक निवेदन ये रहेगा कि क्या आपको याद है कि कितने गुणा दंड देने वाला है? अगर याद है तो बता दीजिए एक बार। खन्ना जी हैं, बस करो ये बकवास सुनना। मैं ये अत्याचार अब और सहन नहीं कर सकता, मुझे मार डालो। जी खन्ना जी, आपके विचार मैं समझ सकता हूँ, आपकी पीड़ा भी समझ में आ रही है, लेकिन सुमेध जोगलेकर जी ने सही पकड़ लिया कि 28 गुना, ठीक बात है जी। अरे ये फेल हो गए, देखिए कस्तूरी राधे 28%, क्या बात है, आपने तो वाट लगा दी बिल्कुल, 28 गुना था श्रीमान। शीतल पंडित 14, नहीं हार गए, भगवदगीता 28, ये ठीक है। शिल्पा जी हाँ जी 28 गुना ठीक है जी। मीनल खाम कर 28 गुना, हाँ ठीक है, ओके ग्रेट। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पकड़ लिया कि जो गॉड है, ये जो बाइबल वाला गॉड है, ये क्या करता है, अगर आप कोई गलती करते हैं, वैसे आपको लव करता है, जीसस लव्स यू, आपने देखा होगा ट्रकों पे, ऑटो पे, सब पे आपको लिखा मिला है जीसस लव्स यू, लेकिन कोई गलती करते हैं तो आपको 28 गुना सजा देता है। और सजा देखिए कितनी प्यारी है, आप अपने बच्चे और बच्चियों का मांस खाएंगे। ये है रिलीजन ऑफ लव। और जैसा वो भी कह रहे थे कि और सहन नहीं होता, खन्ना जी कह रहे थे ना, तो आपकी बात ठीक है, ये सहन करने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है, आप इसके बिल्कुल बेसिक्स पे जाइए। हमें बताया जाता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आज से 70-75 साल पहले कुछ लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सब इक्वल होंगे, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, रिलीजन प्रोपेगेट करने दिया जाएगा। आर्टिकल 25-30 हैं जो माइनॉरिटी राइट्स देते हैं उनको कि वो ये किताबें पढ़ा सकें, इनमें विश्वास कर सकें, इनको प्रोपेगेट कर सकें, क्योंकि ये रिलीजन है। और हमें मानना है कि वो बड़े महान लोग थे, और हम एक महान देश इसमें क्योंकि हम इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं जिसमें ऐसी किताबें हमें पढ़ने को दी जाती है, और ऐसे राक्षस हमारे सर पर बैठे हैं जो कहते हैं कि ये भगवद गीता से अच्छी है। खन्ना जी, ये दोनों किताबें पागल खाने के सिलेबस में होनी चाहिए। अरे वहां भी कुछ डेकोरम होता होगा भाई। और आप देखिए कि हमारे देश में हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर ये कहा जा रहा है कि तुम बाइबल पढ़ो क्योंकि ये बहुत अच्छी किताब है। उन्हें पता है कि गधों का देश है,
हम कहेंगे तो भी कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि पढ़ेगा तो उसको दिख जाएगा ये क्या है। ओला उबर सर, यार अम्बेडकर ने क्यों मनुस्मृति जलाया? देखिए वो तो है नहीं, इसका आंसर वो देते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने मनुस्मृति को ठीक से, एक्चुअली क्या है उनके पास बहुत सारी जो नॉलेज थी वो फर्स्ट हैंड नहीं थी। उन्होंने जो क्रिटिक किया, अब उन्होंने संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे वो, तो उन्होंने ट्रांसलेशंस पढ़े। ट्रांसलेशंस भी जनरली किन्होंने किए थे, जो ये वेस्ट के स्कॉलर्स थे और जनरली वो मिशनरी बैंड ऑफ माइंड वाले थे, तो उन्हें पढ़ के उन्होंने एक बड़ी ही, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे अपने हिसाब से वो अपने समय पे बी आर अम्बेडकर, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, हमें इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि मनुस्मृति उन्होंने ओरिजिनल नहीं पढ़ी। अब ओरिजिनल मनुस्मृति क्या होगी, इसे आप ऐसे सोच के देखिए कि प्रिंटिंग प्रेस से पहले लोग हाथ से लिखते थे जो लिखा जाता था, तो उन्हें पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। तो उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि अब मान लीजिए मैं आज से 1000 साल पहले का एक कोई ब्राह्मण हूं जो मनुस्मृति का एक पांडुलिपि बना रहा है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी कर रहा है, तो मैंने उसमें अपने हिसाब से कोई मिलावट कर दिया, ठीक है, तो मनुस्मृति पर आरोपित हो जाएगा कि मैंने ब्राह्मण होते हुए किया, क्योंकि ब्राह्मणों में भी हो सकता है कोई मक्कार निकले हों, रहे होंगे। फिर यही काम कोई मिशनरी ने भी क्या हो सकता है, कोई जिहादी ने भी क्या हो सकता है। तो करना क्या चाहिए कि जो मनुष्य, जो हमारे पास पांडुलिपियां हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उन्हें पढ़ के आप उनको क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि वाकई में एक्चुअल मनुस्मृति क्या कहती है। और यदि अम्बेडकर जी ने वो पढ़ी होती तो डेफिनेटली वो उसे नहीं चलाते। कस्तूरी जी, सर इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर इक्वली क्रूअल, बट द रेडिकलाइजेशन इज सीन मोर इन इस्लाम देन क्रिश्चियंस, व्हाई सो? ये मैंने एक बार पहले भी बताया था, यदि आप सनातन धर्म को पढ़ती हैं तो आप दो अलग अलग कालखंडों को देखिए, कि जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो कृष्ण जी के जीवन काल में क्या आता है कि एक राक्षसी थी पूतना, बहुत सुंदर, वो दिखने में राक्षसी नहीं लगती थी, अपने स्तन पे जहर लगाया हुआ था उसने, कि जो बच्चा वहां आएगा वो उस विष को पी के मर जाएगा। तो ये राक्षस का एक स्वरूप है जो दिखने में सुंदर है लेकिन अंदर से जहरीली है। दूसरी है रामचंद्र जी के समय की ताड़का, आपने रामलीला में देखा होगा ताड़का वध वाला जो दिन होता है उस दिन स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं कि एक भयानक सी, भयंकर सी चिल्लाती हुई हा 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 करती हुई आती है, वो होती है ताड़का। तो वो आपको सामने एट द फेस दिखाई दे रहा होता है कि ये राक्षसी है। तो राक्षसियों के दो रूप हैं, तो आप देखते ही किसे पहचानेंगे कि ये राक्षसी है, बस वो अंतर है आपके लिए। लॉर्ड दज्जाल, नीरज अत्री जी, जब तक ऊपर से फंडिंग नहीं रोका गया इनको रोकना इम्पॉसिबल की तरह है। लॉर्ड दज्जाल जी, अभी हुआ क्या है कि FCRA में कुछ चेंजेस लाए हैं, मोदी सरकार लेके आई है, उससे थोड़ी सी नकेल कसी गई है, लेकिन जो मिशनरी है ना उनसे नीच किस्म के प्राणी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उन्होंने हर चीज के तोड़ निकाले हैं, और अब उन्होंने यहीं पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम बना ली है, यहां पर ही वो लोगों को जब कन्वर्ट कर लेते हैं, शुरू में उनमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनसे 10% लेते हैं। तो सबसे स्मार्ट पॉन्जी स्कीम हमारे देश में ये चल रही है आजकल। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग रोक देंगे तो रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक हम अपने देश के लोगों को बताएंगे नहीं ना कि है क्या चीज, तब तक ये काम चलता रहेगा। जो मैंने इतना आज पढ़ के सुनाया, वो कह रहे थे कि और सहन नहीं होता, वाकई में असहनीय चीजें जिन्हें लिखा गया है, जब तक हम इनकी ये असलियत, इनका असली चेहरा सामने नहीं दिखा देंगे ना, तब तक हमें झेलना पड़ेगा। इन दोनों कल्ट से हम हिंदुओं को ही लड़ना पड़ेगा, सरकारों का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत, सरकारों का काम है, सरकारों को बाध्य करना पड़ेगा, हमें उन पे प्रेशर बनाना पड़ेगा कि तुम करो, अपना काम करना है वो ठीक बात है, अपना काम करते रहिए, लेकिन सरकारों को बख्शा नहीं जा सकता।
ये हम गलतियां यही करते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि एक हिस्सा उनके लिए छोड़ दें। आप कल्पना करें, जब क्रिश्चियनिटी शुरू हुई है तो इनको फैनेटिक माना जाता था कि ये पागल से लोग हैं, जंगली लोग हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, वहशी लोग, ऐसा माना जाता था इन्हें। लेकिन उन्होंने किया क्या, एक राजा को अपने बस में कर लिया, कॉन्स्टेंटाइन को। जैसे ही इन्हें राज श्रेय प्राप्त हुआ, फैलना शुरू हो गए, बाकी सबको मार काट दी, यूरोप में सब समाप्त कर दिया इन्होंने। और आज भी ये होता है। आप याद कीजिए 2004 से 2014 एंटोनिया माइनो वाला शासनकाल, बहुत फैले हैं उस समय। तो सरकार बहुत काम कर सकती है, अगर आपने सरकार को छोड़ दिया तो वो सरकार को पकड़ लेंगे, और सरकार सारा कुछ कर सकती है। तो इस भुलावे में, इस छलावे में मत रहिए कि सरकार नहीं करेगी। सरकार तब करेगी जब आप उसे बाध्य करेंगे। आपने बाध्य किया तो कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हुई, आपने बाध्य किया तो अजान पे चर्चा हो रही है, आपने बाध्य किया तो हिजाब पे बात हो रही है। आप अगर अपना प्रेशर बिल्ड करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो सरकारों को आपके आगे झुकना पड़ेगा। सरकार का काम क्या होना चाहिए? सरकार का काम सच सामने लाने का होना चाहिए ना। उसको माइनॉरिटी स्कीम्स चलानी है क्या? सरकार वो करती रहेगी अगर आपने सरकार को छोड़ दिया, और देख लें उसका नतीजा क्या हो रहा है। तो सरकार कतई नहीं छोड़ी जा सकती। अपने अपने स्तर पे काम कीजिए, 100% एग्रीड आपके साथ, लेकिन सरकार को छोड़ नहीं सकते। आदित्य जी, हमें भी अपना मिशनरी खोलना चाहिए रिवर्ट कराने के लिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए जी, ये सबसे जरूरी काम है। जब तक हम इनका शुद्धिकरण नहीं करेंगे, इन्हें वापस नहीं लाएंगे, तब तक ये बीमारी और बढ़ती जाएगी। स्वामी विवेकानंद की बात याद रख लें, वन हिंदू गोइंग आउट ऑफ हिंदू फोल्ड इज नॉट ओनली अ हिंदू लेस बट एन एनिमी मोर। एक हिंदू जब हिंदू धर्म छोड़ के अधर्मी मलेच्छ मजहबी बनता है, तो केवल एक हिंदू कम नहीं होता, एक शत्रु बढ़ जाता है। हमें इसको रिवर्स करना है। मुल्ला मोदी, सबसे पहले मोहम्मद दास मोदी को वाराणसी से हराओ, फिर ये गलती हम कर जाते हैं, हराओ नहीं। अच्छा आप ये कल्पना करके देखिए कि मोदी जी ये काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं। वो तो कहते थे नहीं करूंगा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। अगर वो कुछ परसेंट होकर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, तो आप 80% होकर प्रेशर क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? अगर आवश्यकता पड़े तो हराओ भी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आज की डेट में आप मोदी जी को हराना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। वो आपके लिए गोली नहीं चला रहे, लेकिन आपके सामने दीवार बन के खड़े हैं। दीवार का काम तो कर रहे हैं, आप दीवार गिराना चाहते हैं क्या? जब तक आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देसी लड़का, नीरज सर हमें पहले भारत को इंडिया कहना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंडिया शब्द है तब तक हम अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता को छोड़ नहीं सकेंगे। इसलिए केंद्र सरकार को एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आपकी बात में सहमति भी है, असहमति भी है जी। सहमति ये है कि आप जो कह रहे हैं वो वाकई ठीक है। कोई भी स्वाभिमानी देश विदेशियों का दिया नाम नहीं रखता। लेकिन आपको एक कमाल की बात बताऊं, आज जिसे हम अमेरिका कहते हैं, अमेरिको वास्पुच्ची के नाम से, जो 500 साल पहले रखा गया था, उससे पहले उसे कोई क्या कहता था हम जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सबको मार दिया। वो अपने देश को क्या कहते थे हमें नहीं पता। तो मैं आपसे सहमत हूं कि हमें अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए इंडिया कहना बंद करना चाहिए और भारत कहना चाहिए। पर ये आपकी प्रायोरिटी नहीं हो जानी चाहिए। ये वन ऑफ द टास्क हो सकता है कि हमें ये भी करना है, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं कि ये होगा तभी सारा कुछ होगा, बाकियों को साथ साथ चलाते रहे। गुरुजी, क्रिश्चियनिटी मिशनरीज छोटी से छोटी गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे साधु संत देखने को नहीं मिलते।
साधु संतों के सर पे ठीकरा फोड़ना गलत है, उसका रीजन जान लीजिए आप। ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। जो मिशनरी वहां जाता है उसके पास फाइनेंशियल इंसेंटिव है वहां जाने का, उसके पास एक ग्लोबल बैकिंग है। एक ग्राहम स्टेन्स को मारा था, आज तक उसकी आवाज गूंजती है। एक लक्ष्मणानंद सरस्वती को मिशनरियों ने मारा था, लोग भूल चुके हैं। तो हमारे जो संत काम करते हैं, संत वो जो असीमानंद जी थे उनको अंदर ठूंस दिया, आसाराम बापू वो पता नहीं उन्होंने क्राइम किया था या नहीं किया था, लेकिन मिशनरियों से लड़ रहे थे उनको अंदर ठूंस दिया। संत को आप संत मानते हैं क्या? आप क्या उनको सम्मान देते हैं? आप देखिए जरा, जो आपके पास में जो मंदिर का पंडित है उसका आप कितना सम्मान करते हैं, हम कितना सम्मान करते हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं? नहीं करते ना। उनको सम्मान दीजिए। हमने सम्मान देना छोड़ दिया, और उसका कारण हम नहीं है, सरकार ने सिस्टम ऐसा बना दिया कि जो साधु संत हैं, जो पंडित हैं, वो मंदिर में एक एम्प्लॉई की तरह काम करते हैं। पॉलिटिशियन, छोटे छोटे पॉलिटिशियंस के सामने एम्प्लॉई की तरह खड़े होते हैं, हाथ बांधे। जबकि जो चर्च का ऑफिसर है, जो मौलवी है, वो अपने इंस्टीट्यूशन का एक छत्र स्वामी होता है, उसको उसकी कम्युनिटी रिस्पेक्ट करती है। और दूसरी चीज कि मिशनरी वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको फंडिंग मिलती है, वो जाते हैं। आपने कहा कि तुम जाओ, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ये हम सबको करना पड़ेगा, एक समाज के रूप में करना पड़ेगा। अब मैं अपना लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, सब छोड़ छाड़ के मैं ये काम करता हूं। समाज के लोगों ने मेरी सहायता करनी शुरू कर दी, मैंने पेट्रियन अकाउंट बनाया, पेट्रियन पे लोग सदस्य बन रहे थे। इन्होंने क्या किया, मुझे पेट्रियन से डी प्लेटफॉर्म कर दिया, पेट्रियन से हटा ही दिया। और हटाने का कारण मैं आपको बताता हूं, जरा आपको सुन के आनंद आएगा। जी, रीजन पता क्या है? यू हैव वायलेटेड अवर कम्युनिटी गाइडलाइंस रिगार्डिंग हेट स्पीच एंड प्रोपेगेटेड नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स टुवर्ड्स अ प्रोटेक्टेड कम्युनिटी। कल्पना करके देखें, पेट्रियन पे तो मैं ये बातें भी नहीं करता, वहां तो केवल एक अकाउंट बनाया था, उन्होंने वो हटा दिया, तो जितने लोग मेरी वहां पर सपोर्ट कर रहे थे वो एक ही दिन में उन्होंने खींच दिया, राइट? तो इस तरह से वो अपना काम करते हैं कि दुश्मन को गिराते जाओ और अपने लोगों को खड़ा करते जाओ। और हम क्या करते हैं, हमने कभी साधु संतों को सपोर्ट नहीं किया, अगर करते हैं तो फिर हम उनसे उत्तर भी मांग सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि उनको करना है। हम अपना यदि कर्तव्य पूरा करते हैं तो फिर हम बात कर सकते हैं। मयंक शर्मा, आप ऐसे संगठनों की लिस्ट दे सकते हैं जो रिवर्ट करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या हम पैन हिंदू संगठन बना सकते हैं? ऐसा कोई संगठन नजर नहीं आता। मयंक जी, आपने बहुत काम की बात की है। पहली चीज, रिवर्ट करने वाले संगठन, पहले होता था एक आर्य समाज, वो आज की डेट में लगभग डिफंक्ट हो चुका है, आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य जिसके कारण स्वामी जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया था, स्वामी श्रद्धानंद ने काम किया था, स्वामी विरजानंद थे, वो सब छोड़ के ये अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझ गए, वो काम नहीं कर रहे। पैन हिंदू संगठन बना सकते हैं, इसमें आप ये समझ लीजिए कि पैन हिंदू संगठन बनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक कहावत है अंग्रेजी की, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपने एक बड़ा संगठन बना लिया, उन्होंने उसके टॉप के कुछ अधिकारियों को हाईजैक करना है बस, वो उनको हनी ट्रैप कर ले, उनको रिश्वत दे दे, कुछ भी कर ले, उन्होंने कर लिया तो आपका संगठन गया, भाड़ में गया। आप कुछ संगठन सुनते होंगे आजकल ऊट पटांग जो स्टेटमेंट्स देते हैं, तो इससे बचे, छोटा संगठन बनाए, अपने स्तर पे काम करें। बड़ा संगठन काम करता है उससे जरूर मिले, उनकी सहायता करें, उनसे सहायता लें, लेकिन बड़े संगठन से बचने का प्रयास करें, छोटे बनाए, स्टेट वाइज बना लें, डिस्ट्रिक्ट वाइज बना लें, ये मेरा निवेदन है।
नीरज त्रेज सर, असली प्रॉब्लम तो सेक्युलर हिंदूज हैं जो सभी रिलीजन एक हैं सोचते हैं. दे आर मोर डेंजरस, बिलीव मी, आई हैव टॉक्ड टू पीपल लाइक देम, इवन माय सिस्टर आल्सो थिंक्स लाइक दैट. जतिन जी फिर से पार्शली करेक्ट है, असली शब्द हटा दीजिए इसमें से. प्रॉब्लम तो सेक्युलर हिंदूज है, नो डाउट, बहुत बड़ी समस्या है वो, क्योंकि सबसे पहले यही गधे खड़े हो जाएंगे आपके रास्ते में रोड़ा डालने के लिए. लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, ऐसे मान के चलिए. जिहादी लॉ भी एक प्रॉब्लम है, मेन स्ट्रीम मीडिया दूसरी प्रॉब्लम है, मिशनरी लॉबी तीसरी प्रॉब्लम है, अर्बन नक्सल चौथी प्रॉब्लम है, दाऊद गुट पांचवी प्रॉब्लम है, ढेरों है. सेल्फिश हिंदू अगली प्रॉब्लम है. ये जिन्हों आप सेक्युलर बोलते हैं ना, वो सेल्फिश हिंदू है जो अपने से दूर नहीं सोच सकते, अपने से बाहर सोच नहीं सकते, मैं और ज्यादा से ज्यादा मेरा परिवार, ये वो लोग हैं. कीड़े मकोड़े, जैसे कल जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट था, सारे क्या कर रहे थे, आप सुनिए सब क्या बोलते हैं, जनरल डायर ने ये किया, जनरल डायर ने ये किया. वो ठीक है उसने किया, लेकिन जो गोलियां मार रहे थे वो लोग कौन थे? वो अपने देश के लोग थे, क्योंकि हमारे यहाँ मक्कार और गद्दार भरे पड़े हैं, वो रहेंगे, वो हमेशा से थे. तो हमें किसी को भी ये नहीं कहना कि ये अकेली एक प्रॉब्लम है, ये असली प्रॉब्लम, बहुत सारी असली प्रॉब्लम्स हैं, उन सबसे निपटना पड़ेगा हमें. वो बहुत डेंजरस है, आई एग्री विद यू. आप अपनी सिस्टर की बात करते हैं ना, मेरे निकट के अब जितने क्लोजेस्ट रिलेशन सोच सको ना, सब सोच ले, वो सब मेरे अगेंस्ट काम करते हैं. एक तो होता कि चलिए ये अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहे हैं, मेरे साथ उल्टा है कि एवरीबडी इज अगेंस्ट मी. तो आप जो फेस करें ना, वो बहुत कम है. सो आप देखेंगे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा. Yacht man, you started like 4 years back. After hundreds of such videos, you still crib about narrative and you accept money from subscribers. How fair is it? अरे वाह, क्या बात है. देखिए अब इनकी प्रॉब्लम क्या है. पहला ये कह रहे हैं यू स्टार्टेड 4 years back. नहीं, जो मैंने पहली RTA NCERT की लगाई थी वो 2011 में लगाई थी, तो 11 साल हो गए. Hundreds of such videos, you still crib about narrative. हाँ, I still crib about narrative. क्या नैरेटिव सिर्फ YouTube पे चलता है? आप अपने आसपास, अब ये मुझे पता है कि किसी ने स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं इसमें बहुत वैल्यू का क्वेश्चन पूछा रहा हूं. क्या नैरेटिव सिर्फ YouTube से चलता है? सिंपल से जो TV चैनल्स हैं, जिन्हें हम सैटेलाइट चैनल्स बोलते हैं, सैकड़ों हैं, जो रोज 24 घंटे न्यूज डालते हैं, उनसे नैरेटिव चलता है. जो अखबार रोज आपके घर में आता है उससे नैरेटिव चलता है. जो मीडिया पोर्टल्स हैं उनसे नैरेटिव चलता है. आपको क्या लगा कि सिर्फ नीरज अत्री ने बैठ के कुछ 100 वीडियो बना दिए, शायद 500 के आसपास वीडियो होंगे, उनसे नैरेटिव चेंज हो जाएगा? तो आपको बहुत बड़ा गधा होना चाहिए इस चीज में विश्वास करने के लिए. आर्ट मैन जी, एंड यू एक्सेप्ट मनी फ्रॉम सब्सक्राइबर्स? यस, आई एक्सेप्ट मनी फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं ब्राह्मण की तरह कार्य करने का प्रयत्न करूंगा, कि मैं जो मेरा धर्म है वो निभाऊंगा और समाज मुझे फंड करेगा, समाज मुझे सपोर्ट करेगा. और ये कंडीशनल नहीं है. मुझे कोई जब 1 रुपया नहीं दे रहा था ना, जब मैं अपनी जेब से डाल के RTA लगा रहा था, जब जिहादियों के थ्रेट्स मुझे रोज आते हैं, जब रात को 2 बजे कभी कतर से कभी अरेबिया से फोन कॉल्स आते हैं, तो सब मैं सुनता हूँ. और अब आपने पूछा हाउ फेयर इज इट, तो आप जैसे मक्कार को जवाब दे रहा हूँ ना यहाँ बैठ के मैं, वो भी इसलिए कि आपने 100 रुपये भेजे जिनमें से 40 रुपये YouTube ले जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा हाउ फेयर इज इट. तो ऐसे ऐसे गधों को झेलना पड़ेगा हमें. मैं तो जो ऑपोजिशन है अपने घर से शुरू हो जाती है, वहां से झेलते हैं, और ये काम तो हम करते ही रहेंगे. MV कुल जी, सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद. जॉन सीना, नीरज सर डूइंग ऑसम वर्क. थैंक यू जॉन सीना जी. अभी मुझे नहीं लगता कि मैं ऑसम वर्क कर रहा हूँ. ऑसम वर्क तब होगा जब मैं 3-4 पोर्टल्स बना के बैठाऊंगा जो नैरेटिव कंट्रोल कर रहे होंगे. जब आप सर्च डालोगे ना गूगल में, तो वहां पे हमारे पोर्टल्स खुलेंगे, तब मैं मानूंगा कि मेरा वर्क ऑसम है. ठीक है, जो मेरे बस में है, जितना अभी तक रिसोर्सेस मैं यूज कर पा रहा हूँ, उससे हम ठीक है.
मोर कंप्लेंट्स, जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा अचीव किया है, आई आई वुड एग्री टू दैट. ओके, द क्रैकपर 420, सर राइस बैग भी मोहम्मद वादियों जितने ही खतरनाक हैं. हमारी टीचर कहती है कि ब्रिटिश से पहले भारत जैसा कुछ नहीं था. हाँ देखिए, ये है, ये इसे बोलते हैं नैरेटिव, कि हर तरफ से आपको एक ही आवाज आए. स्कूल में बैठे हैं, टीचर ये बोल रहा है, जज की जजमेंट है उसमें आपको ये सुनाई दे रहा है, फिल्में बन रही है तो फिल्मों में आपको ये सुनाई दे रहा है, आपके माँ बाप आपको ये बातें बोल रहे हैं. वो होता है नैरेटिव का सक्सेस, जो उन्होंने 70 साल में अचीव किया. तो हमें उनसे लड़ने की आवश्यकता है. जतन, इन सेक्युलर हिंदुओं को कैसे जगाएं और इनको अपनी तरफ करें, क्योंकि ये तो सुनने को ही तैयार नहीं और मुझे ही एक्सट्रीमिस्ट बोलने लगते हैं. प्लीज गिव सॉल्यूशन, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. जतन जी, पहली चीज, आप अपनी एनर्जी, आपके लिए आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका रिसोर्स है, उसे बहुत वाइजली यूज करने की आवश्यकता है. जो ये सेक्युलरिज्म का चोला उड़ के बैठे हैं, वो जनरली वो कायर लोग हैं जिनमें साहस नहीं है काम करने का, वो करेंगे भी नहीं. उन्हें पता है रियलिटी, लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे. मैंने अभी जो एग्जांपल दिया ना, कि जो जलियांवाला बाग में हमारे लोगों पर गोलियां दाग रहे थे, वो हमारे देश के लोग थे. क्यों चला रहे थे वो? कि उनको अंग्रेजों के तलवे चाट के उनकी नौकरी के पैसे लेने थे. तो आज क्या स्थिति बदल रही है? आज भी हमारे देश में वैसे ही मक्कार, गद्दार, मूर्ख लोग हैं, बहुत सारे हैं. तो उन्हें कन्वर्ट करने पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए. यंगस्टर्स पे ध्यान दीजिए, जहां लगता है कि उसमें कुछ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एबिलिटी है, एनालिटिकल स्किल्स है, उससे बात कीजिए. जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं उन्हें नहीं आप जगा सकते, जो सोए हुए हैं उन्हें आप जगा सकते हैं. उन पे अपना समय लगाइए. यूज योर एनर्जी एंड रिसोर्सेस वेरी वाइजली. और सेक्युलर कीड़ों को छोड़ दीजिए. हाँ, अगर उनसे आर्ग्यू करना है तो अपने आर्ग्यूमेंट के तरीके को स्ट्रांग कीजिए. मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सफल हुआ हूँ, लेकिन जब मैंने इस्लाम वाली सीरीज डालनी शुरू की थी, तो मैं जानता था कि बाहर ऐसे लोग हैं जो इस्लाम में फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें उसकी रियलिटी नहीं पता. उस सीरीज को देखने के बाद, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मुझे धमकियाँ मिलती हैं, मुझे थ्रेट्स आते हैं कि इसकी गर्दन काट के लाओ, 10 लाख रुपए देंगे, ऐसे फतवे आते हैं. तो वो लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी आंखें खुली हैं, हम इस्लाम को त्याग चुके हैं. वो लोग भी हैं. तो उन्हें अगर आप कन्विंस कर सकते हैं, आप अपने शब्द अपने चुनिए, अपना नैरेटिव बनाइए, अपने कंटेंट, अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन ठीक कीजिए, तो आप अचीव कर लेंगे. कौशल किशोर जी, नमस्ते सर जी. बाय द वे, आई एम फेसिंग सम सिचुएशन फ्रॉम माय फ्रेंड सर्कल. टू एनीवन हु क्वेश्चन नीरज सर, सब्सक्राइबर्स आर विलिंग टू पे सो सिंपल लीव इन योर वोक लैंग्वेज, इट्स अवर चॉइस. हाँ, ठीक बात है, एकदम ठीक कहा आपने. मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे एंजॉय करते हैं, तो वो मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं. वंडरफुल, बिल्कुल ठीक बात है. रोहित सुब्रमण्या, सर योर टेक ऑन तेलंगाना कोर्ट डिसीजन ऑन ओवैसी जूनियर स्पीच फ्रॉम 2012, इज आवर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड टू सच ग्रेट एक्सटेंट. देखिए, इसमें दो चीजें हैं. पहली चीज कि क्या हमारी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है? तो कुछ सेक्शन तो डेफिनेटली है, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसी सिस्टम से चल के आए हैं, उसी में से निकले हैं, तो उनकी बुद्धि वैसी ही भ्रष्ट है. और दूसरी चीज के अब ये जो कोर्ट वाला सिस्टम है ना, वो एविडेंस पे चलता है. तो अगर उन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मांगी है, तो ये मांगना कोर्ट का राइट है. तो कह सकते हैं कि आपने कहीं से थर्ड पार्टी रेफरेंस ला रहे हो, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो ठीक हो सकता है, उसमें उन्होंने जो प्ली लिया वो गलत नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर सकते थे ये भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां एक्सेप्ट भी किया जा सकता है. जी
कमल शर्मा, अगम अथक अग्नि अनगिनत प्रयास करने होंगे। नमस्ते गुरु जी। जी हाँ, नमस्ते जी, ठीक बात है, अनगिनत प्रयास करने होंगे। आप उन्हें देखिए ना, जो अभी किसी ने बोला कि मिशनरी हर गांव तक पहुंच चुके हैं, हम लोग क्यों नहीं पहुंच रहे वहां? क्योंकि हम मुर्दों का समाज बन चुके हैं ना, हम सिर्फ अपने तक ही सोचते हैं, उससे आगे सोचते ही नहीं। जिस दिन हम सोचना आरंभ कर देंगे, और आप सोच के देखें ना, हमारा धर्म बनता है कि जिन लोगों को ये वैशी जानवर अपने कब्जे में ले रहे हैं उन्हें बचाना, हम अपना धर्म नहीं निभा रहे, उन्हें भाना पड़ेगा ना। जतिन नीरज, थैंक यू सर, आई वॉज फीलिंग रियली डिमोटिवेटेड बट आफ्टर योर एडवाइस आई एम फीलिंग गुड। ग्रेट जतिन जी, आपको कभी भी ऐसी डिमोटिवेशन फील हो तो आप मेरी ओर देखा कीजिए। बहुत सारे फतवे हैं, लोग लाखों रुपए देने को तैयार हैं, मैं फिर भी लगा हूँ। जो क्लोजेस्ट रिलेशन आप सोच सकते हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा, वो चाहते हैं कि मैं ये ना करूं, बल्कि मजाक उड़ाते हैं। और जिस दिन आई कैन से अप टू यहां तक बोल सकता हूं कि जिस दिन मुझे कुछ हो गया तो पहले होंगे, देखा हम तो कहते थे मत कर, किया ना, ये भुगतना पड़ा। तो इन लोगों की, क्षुद्र लोगों की चिंता छोड़ दीजिए, आप एक बड़े काम के लिए जीवन जीजिए। छोटे छोटे, अब कीड़े मकोड़े और इंसान में क्या फर्क होना चाहिए? ये तो पशुवत प्रवृत्ति है ना, कि अपने लिए जीना, वो तो पशु भी करते हैं, तो हमें और उनमें क्या अंतर है? सनातनी के, जोहन्ना चैप्टर 6 रूल नंबर 53, ये इतना घटिया है। ओके जी, जॉन 6:53 अभी निकाल लेते हैं जी। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. Whose eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. हाँ, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. हाँ, अब ये देखिए, ये किताब है जिसको बोल रहे हैं कि भगवत गीता से अच्छी किताब है। वो कह रहा है कि मेरा मांस खाया और मेरा खून पिया, अगर आपने ये नहीं किया तो आपने कोई जीवन ही नहीं है। तो जो मीट है और जो मीट खाता है, जो मेरा मीट खाता है, मेरा खून पीता है, उनको सदा के लिए जीवन मिलेगा और वो बचेंगे। माई फ्लैश इज मीट इन डीड एंड माई ब्लड इज ड्रिंक इन डीड। मेरा मांस खाने लायक है और मेरा खून पीने लायक है। देखिए, अमरीश के, आई हैड सेड इट, यू आर बेस्ट ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ रिलीजन्स, प्लीज कीप इट अप, आई विल प्रोपिएट योर नॉलेज इन मराठी एंड इंग्लिश। जी धन्यवाद अमरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मराठी में कीजिए, इंग्लिश का चैनल में बना दिया है, उस पर इंग्लिश में भी हम ये चर्चा किया करेंगे। आप प्रोपिगेट करते हैं तो बहुत प्रसन्नता होगी। मैं चाहता हूँ कि हम एक एक व्यक्ति अपना स्वधर्म मान के ये काम करें। आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, वो खोल के कीजिए, ब्लॉग लिखिए, ट्विटर पे डालिए, और नहीं कर सकते पैम्फलेट छाप के बांट दीजिए अपने मोहल्ले में, कुछ भी कीजिए। व्लादिमीर द हैंडसम टर्मिनेटर, बहुत दुखी हूं, टीवी पर बहुत कमजोर हिंदू प्रवक्ता आते हैं। व्लादिमीर जी, ये टीवी वालों का खेल होता है, और ये मैंने वहां जाके सीखा है। वो क्या करते हैं कि हिंदू के लिए जानबूझ के जो कमजोर प्रवक्ता है उसे बुलाया जाता है, कि हमने बुला भी लिया, न्यूट्रलिटी शो कर दी, और क्योंकि कमजोर बुलाएंगे तो उसको उसके वहां पर सरेआम कपड़े उतारना आसान होता है और वो हिंदुओं को पराजित कर देते हैं। उन्होंने बहुत बहुत स्मार्ट गेम खेल लिया है। जी तो मुझे लगता है कि आज के हमारे प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। ठीक है जी, तो हम यहीं पर इतिश्री की ओर चलते हैं। भारत माता की जय। वंदे।